Hello, Assalamualaikum. This is Mohammad Abir. Umeed aap sab khairiyat se honge. I am here with analysis and discussion on one of the companies. एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट पाकिस्तान में ऑब्वियसली फीमेल, अगर हम बात करें फीमेल ब्रांडिंग की, अगर हम बात करें तो फीमेल्स का बहुत पसंदीदा बेसिकली ब्रांड है जिसका नाम है इमेज पाकिस्तान. इमेज पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा पहले जानेंगे, उसको समझेंगे और फिर मैं आपको उसके जो राइट शेयर्स की इशुएंस है, जो उसने अभी मजीद राइट शेयर्स मार्केट में उतार रही है, मजीद एक्स्ट्रा शेयर्स उतार रही है, डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है, कि मैं और आप उनके एक्स्ट्रा शेयर्स को खरीद के सब्सक्राइब करके अपने रेगुलर शेयर बना सकें और इन फ्यूचर कंपनी को फायदा हो तो उससे आपको शेयर होल्डर्स को जो है वो अच्छा रिटर्न मिल सके. तो उसके प्रोस्पेक्टस को समझेंगे कि इमेज पाकिस्तान है क्या, क्या बनाती है, क्या बेचती है, कहाँ लिस्टेड है, उन सब चीज़ों को पहले बताना जरूरी है. और फिर राइट शेयर्स क्यों इशू कर रहे हैं उसका रीज़न, एंड वीडियो के लास्ट में राइट शेयर्स कब उनकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी. अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 5,000 या 10,000 इमेज के शेयर्स पड़े हैं, जब मैं उसको 10 रुपये से अगर एक्यूमुलेट कर रहा हूँ तो ओवर द पीरियड उस 100 शेयर के ऊपर या एक शेयर के ऊपर मुझे इमेज पाकिस्तान कितने फ्री ऑफ कॉस्ट राइट शेयर्स देगा, जो मैं राइट शेयर्स की ट्रेडिंग शेड्यूल के अंदर या तो उसको बेच के खड़े खड़े मार्केट से अपना कैश प्रॉफिट निकाल सकता हूं, या उन शेयर्स को कन्वर्ट करके रेगुलर शेयर्स में कन्वर्ट करके जब ट्रेडिंग शेड्यूल एंड होगा तो अपने ब्रोकरेज को तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर सबमिट करा के, उतने पैसे सबमिट करा के मैं उन राइट शेयर्स को रेगुलर शेयर्स में कन्वर्ट करके अपने लिए अवेलेबल कर सकूंगा. तो उसका डिस्कशन हम इस वीडियो में बेसिकली करेंगे. दैट बीइंग सेड, चलते हैं स्क्रीन पे और चलने के बाद साइड बाय साइड इमेज के बारे में जानने की पहले कोशिश करते हैं. बहुत सारे लोगों को इसके बारे में, कंपनी के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आपको इसीलिए ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कंपनी बेसिकली बनाती क्या है और बेचती क्या है. ऑल्दो पाकिस्तानी ब्रांड है और काफ़ी मशहूर ब्रांड है जिसके बारे में अमूमन सबको पता ही होगा. दैट बीइंग सेड, आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे इमेज पाकिस्तान के अपनी प्रोफाइल के बारे में. इसकी प्रोफाइल के बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि एज एन इन्वेस्टर में पता होना चाहिए कि भाई ये कंपनी है क्या, क्या इसकी प्रोफाइल है, क्या बनाती बेचती है और इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. तो वो इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा. इमेज पाकिस्तान लिमिटेड आप देख सकते हैं एक्स आर हुआ है, विच मीन्स के राइट शेयर्स के लिए ये एक्स हो चुका है, विच मीन्स के जितने परसेंटेज इन्होंने राइट शेयर्स की अनाउंसमेंट करी है उसके हिसाब से जितनी भी प्राइस बनती है वो उसके अंदर से एक्स हो चुकी है, माइनस हो चुकी है. और अब अगर कोई राइट शेयर्स की इंटाइटलमेंट लेना चाहता है तो वो इंटाइटल नहीं हो सकता क्योंकि उसका जो प्रोसेस का ड्यूरेशन है वो ऑलरेडी जा चुका है. दैट बीइंग सेड, फॉर द लास्ट 5 ईयर्स अगर हम इमेज की सबसे हाईएस्ट प्राइस अचीवेबल की अगर हम बात करें तो हमें याद है कि कोविड की पोस्ट रिकवरी में पाकिस्तान की टेक्सटाइल दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बन गई थी. जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमें नज़र आ रही थी वो पाकिस्तान की नज़र आ रही थी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इशूज़ और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. हैंस इमेज को उस टाइम बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली फ़ायदा हुआ था और अदर हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल डाइंग, टेक्सटाइल कंपोजिट, टेक्सटाइल स्पिनिंग, उन तमाम कंपनीज की और इंडस्ट्रीज जो बंद इंडस्ट्रीज थी वो भी हमारे पास चलना शुरू हो गई थी. ओवरऑल इमेज शेयर प्राइस उस टाइम 30+ रुपीज़ पे हमें जाती हुई नजर आई थी और उसके बाद जो मुल्क के अंदर फाइनेंशियल इकोनॉमिक इशूज आए तो उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि भाई टेक्सटाइल का भी डाउनफॉल हमें नजर आया. तो रिसेंटली वॉट इमेज हैज़ डन कि उन्होंने पहले प्रोफाइल की इसकी बात कर लें. अगेन जैसे कि आप देख सकते हैं कि द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज टू मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक एंड रेडी टू वेयर गारमेंट्स एंड पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न. यार्न भी जो है वो यहाँ से बनाती है, लोकली भी बनाती है और एक्सपोर्ट भी करती है. और इसके साथ साथ अगर हम इसकी ओवरऑल अगर हम जायजा लें तो इमेज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था और काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स के अंदर पॉपुलर ब्रांड हमें नजर आता है. दैट बीइंग सेड अगर हम इसके उस पे नज़र डालें, फाइनेंशियल्स पे नज़र डालें तो हम देख सकते हैं ओवरऑल कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी टेक्सटाइल कंपनीज की इमेज की जो है वो हमें नज़र आ रही है. सेल्स भी अपनी करते रहते हैं और ओवरऑल मुल्क के जब हालात अच्छे होंगे तो अपनी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ करते हुए हमें नज़र आएंगे. रिसेंटली उन्होंने क्या किया है, बेसिकली इन्होंने अनाउंसमेंट्स करी हैं, उन अनाउंसमेंट्स का हम जायज़ा थोड़ी देर में लेते हैं. लेकिन ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान में इनकी वेबसाइट पर जाएँ, वेबसाइट पर जाके इनकी एनालिसिस करें, इनके बारे में जानें, देखें, समझें तो आपको मेजॉरिटी जो है वो इन्फॉर्मेशन में मिल जाती है कि पाकिस्तान का एक वेल नोन ब्रांड है. और एक और जो इसकी बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट थी 2020-2021 की अगर हम बात करें ड्यूरिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हमारे पास एरा था, इमरान खान का जो बेसिकली एरा था, उसके अंदर टेक्सटाइल को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट मिली थी, अच्छी पॉलिसीज अच्छी बनाई गई थी जिसकी वजह से मुल्क जो है वो अच्छी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दिखा रहा था. जब हमारा रेवेन्यू अर्निंग का सबसे जो बड़ा सेक्टर है वो हमारे पास टेक्सटाइल है, हम सबसे ज़्यादा अगर टेक्सटाइल अपने एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अर्निंग हम करते हैं. और रिजर्व में भी हमें इंक्रीज नज़र आता है जो कि अभी हम करंट हालात में अनफॉर्चुनेटली जो है वो देख रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है. तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं फर्स्ट पाकिस्तानी सेलर ऑन अमेजोन इमेज रिसीव्स प्राइम मिनिस्टर्स एक्सेलेंस अवार्ड. पी एम एक अवार्ड मिला है, आई होप मैंने प्राइम मिनिस्टर का वो लिया है,
लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं अवार्डेड द प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीलेंस अवार्ड, तो पीएम बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को स्टैंड आउट करता है। पाकिस्तान लीडिंग ई कॉमर्स कंपनी इमेज बिकेम द फर्स्ट वेरी फर्स्ट लोकल कंपनी, याद रहे पाकिस्तान की अपनी कंपनी है इमेज पाकिस्तान, और सबसे पहली कंपनी थी जिसने अपने आप को अमेजोन पे लिस्ट कराया और इंटरनेशनल सेलिंग जो है, एक्सपोर्ट जो है, ब्रांड की जो सेलिंग है वो करना शुरू की। तो ये बहुत बड़ी बात थी इमेज पाकिस्तान के लिए, एंड इट इज स्टिल वन ऑफ द फर्स्ट एंड द ओनली लोकल ब्रांड जो कि अमेजोन पे ऑफिशियली लिस्टेड है। जो कि हम जाके अमेजोन पे अगर आप जाएं तो अमेजोन पे आप सर्च करें इमेज पाकिस्तान की, अगर हम बात करें इमेज पाकिस्तानी क्लोथिंग फॉर वुमेन, तो आप जाके इनकी इमेज का जो होल सेलर का इनका जो अकाउंट है वो हम देख सकते हैं, और यहाँ पे फ्री शिपिंग अक्रॉस यूएसए बेसिकली देते हैं। तो ये बड़ी बात है, और इसी तरह इमेज पाकिस्तान ने अमेजोन में लिस्ट कराने के बाद अपनी यूएस में भी जो अपने वेयर हाउसेज हैं वो उन्होंने बेसिकली कंस्ट्रक्ट किए, एस्टेब्लिश किए, और पाकिस्तान से जो भी ये चीज़ें बनाते हैं एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे डिलीवर भी करते हैं। मजीद इसके बारे में जानना हो तो आपके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मौजूद होगी। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि भाई इमेज ने राइट शेयर्स इशू किए हैं, कितने परसेंटेज इशू किए हैं। अगर आपके पास इमेज के शेयर्स की होल्डिंग है, पुरानी होल्डिंग है, अगर आपने नई बाइंग करी है, तो आपको कितने शेयर्स मिलेंगे आपकी होल्डिंग के अगेंस्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तकरीबन 9.87 मिलियन शेयर जो है वो मार्केट में मजीद रेज किए जा रहे हैं थ्रू राइट शेयर प्रोसेस, जिसमें हम अगेन एक हमारे डिविडेंड होता है, कैश होता है जो डायरेक्ट बैंक में आता है, बोनस शेयर होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस शेयर होते हैं जो आपके रेगुलर शेयर में ऑलरेडी एड हो जाते हैं। राइट शेयर्स का एक ऐसा प्रोसेस होता है कि कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट को शेयर देती है, लेकिन वो ये कहती है कि या तो इस राइट शेयर्स को ड्यूरिंग जो राइट शेयर्स की ट्रेडिंग शेड्यूल है आप इसको बेच के अपना प्रॉफिट कमा लें, या अगर आपने उस ट्रेडिंग शेड्यूल जो कि थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं अगर खत्म होने के बाद आपने उसको होल्ड करके रखा है, तो जो भी उसकी अमाउंट बनती है उन राइट शेयर्स की आपने वो ब्रोकरेज के थ्रू हमें पे करनी है, और फिर कंपनी उन राइट शेयर्स को जो है वो रेगुलर शेयर में कन्वर्ट करके आपके पोर्टफोलियो में डिलीवर कर देती है। दैट बीइंग सेड, आप देख सकते हैं 9.87 मिलियन के जो शेयर्स हैं मार्केट में उतारे जा रहे हैं, और किस प्राइस पे उतारे जा रहे हैं, 10 रुपये पर शेयर। इस वक्त हमारे पास इमेज की जो मार्केट प्राइस चल रही है वो तकरीबन 12 रुपये का चल रही है। याद रखें जब हालात अच्छे थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी थी, तो इमेज का इमेज पाकिस्तान का जो शेयर है वो तकरीबन 30 रुपये पे तक भी जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। और रिसेंटली राइट शेयर्स के अनाउंसमेंट में लास्ट फ्यू मंथ्स अगर हम दिसंबर 2023 की क्लोजिंग देखें तो इट वॉज वैल्यूड अराउंड 18 and 19 rupees, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसने गेन किया हुआ था। अब हम डायरेक्टली बात कर लें कि भाई कितने शेयर्स कंपनी दे रही है, तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि 75 राइट शेयर्स फॉर एवरी 100 ऑर्डिनरी शेयर्स हेल्ड, दैट इज 75% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हर 100 शेयर रखने पर, मेरे पास 5000 शेयर हैं, 10000 शेयर हैं, किसी भी इन्वेस्टर के पास XYZ कोई भी अमाउंट है, हर 100 शेयर रखने पर इमेज आपको 75 शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। वो डिपेंड करता है कि आपने फिर उसके शेयर्स को सब्सक्राइब करना है लेटर ऑन, या जब वो ट्रेडिंग स्टार्ट होगी जिसका शेड्यूल अभी हम डिस्कस करते हैं, आपने उस ट्रेडिंग शेड्यूल के अंदर जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगी 1 रुपये पे जाएगा राइट शेयर्स का ट्रेड, 2 रुपये पे जाएगा, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये जाएगा, जब भी आप बेच के उसको बाहर आना चाहते हैं, अगर आप बाहर आ जाते हैं तो वो कैश आपका प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में और आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली डिलीवर हो जाएगा, कैश बुक में डिलीवर हो जाएगा। तो ये तकरीबन इन्होंने 19 जनवरी को ये सारी अनाउंसमेंट्स की थी। उसके बाद अब हमारे पास आज के दिन 11th मार्च के दिन अगर हम बात करें तो हमारे पास इसका जो ट्रेडिंग शेड्यूल है राइट शेयर्स का ट्रेडिंग, रेगुलर शेयर तो ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं लेकिन राइट शेयर्स जिन जिनकी इंटाइटलमेंट है 5000 शेयर रखने पर, 1000 शेयर रखने पर, आपको जितने शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे वो अलग से नजर आएंगे, इमेज R1, इमेज R2, इमेज R3, इस तरीके के वो आपको नाम के साथ नजर आएंगे। कब नजर आएंगे आइए उसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं। इमेज के जो राइट शेयर्स की जो राइट शेयर्स क्रेडिट होंगे, जो जो इंटाइटल शेयर होल्डर होगा उसके अकाउंट में कब क्रेडिट होंगे, 18 मार्च को बेसिकली उसके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, जितने भी शेयर्स बन रहे हैं उसके इंटाइटलमेंट के हिसाब से। डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ राइट की अगर हम बात करें फिजिकल शेयर होल्डर को, वो ईमेल कर दिया कि भाई 21 तारीख को आपको, 21 तारीख से पहले 18 तारीख को आपको जो है वो ये शेयर्स डिलीवर कर दिए। अब बेसिकली क्या करना है, अब ये याद रखना है कि राइट शेयर्स की जो ट्रेडिंग है वो कब से स्टार्ट हो रही है, तो वो स्टार्ट हो रही है मंडे 25 मार्च। तो अब याद रखिएगा इस मंथ के लास्ट वीक में रमज़ान का भी जो है वो हमारे पास सेकंड अशरा चल रहा होगा, तो हम देख सकते हैं कि जो है वो 25 तारीख को राइट शेयर्स की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, विच मीन्स के हो सकता है राइट शेयर्स की ट्रेडिंग 1 रुपये से स्टार्ट हो, 2 रुपये से स्टार्ट हो, 3 रुपये से स्टार्ट हो, 4-5, अमूमन राइट शेयर्स की जो प्राइस होती है मार्केट में वो 4 से 5 रुपये हाईएस्ट जाती है। अगर आपके पास 1000 शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट आए हुए हैं, 25 शेयर आए हुए हैं, 50 शेयर रैंडमली जो भी क्वांटिटी आई हुई है, आप उसको उस रेट पे बेचेंगे, और बेच के अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं करना तो लास्ट डेट
जो आपने ट्रेडिंग की बेसिकली रखनी है राइट्स की, वो 16 अप्रैल है, विच मीन 16 अप्रैल से पहले पहले राइट शेयर्स को बेच के अगर आप बाहर आ जाएंगे तो आपको आपका कैश आपके कैशबुक में डिलीवर हो जाएगा, बैंक में नहीं होगा, बैंक अकाउंट में नहीं होगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के कैशबुक में डिलीवर हो जाएगा। जो लोग इसको सब्सक्राइब कराना चाहते हैं, जो समझते हैं कि आगे जाके मुल्क के हालात बेहतर होंगे, टेक्सटाइल के हालात बेहतर हो सकते हैं, तो वो जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने की जो लास्ट डेट होगी अलॉटमेंट की, एक्सेप्टेंस की जो लास्ट डेट होगी पेमेंट की, वो 23 अप्रैल होगी। तो इससे पहले पहले आपने अगर सब्सक्राइब कराना है तो ये तमाम, और ट्रेडिंग करनी है तो ये तमाम डेट्स आपने याद रखनी है। एक चीज़ जो मैं डिस्कस करना भूल गया वो है राइट शेयर्स के रीज़न, और लास्ट में डिस्कस करने का मेन मकसद ये था ताकि आप लोग के जहन में बैठ जाए कि ये राइट शेयर्स क्यों इशू कर रहे हैं और क्यों सस्ते दामों में अपने शेयर मजीद मार्केट में उतार रहे हैं। द पर्पज ऑफ द राइट इशू इज टू फाइनेंस द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो इनकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए मजीद शेयर्स मार्केट में उतार के एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स से। और इसके अलावा कंपनीज जो का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसको मद्देनजर रखना जरूरी है, जो कि असेंशियल है फॉर सस्टेन बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ का असेंशियल सस्टेनेबिलिटी रखने के लिए भी ये मजीद शेयर्स उतार रहे हैं और मजीद कैश कलेक्ट कर रहे हैं मार्केट में से, जो कि एक नॉर्मल रिचुअल है जो कि कंपनी करती है। अगेन अगर हम यहाँ पे सेकंड कॉलम में बात कर लें पर्पज ऑफ राइट शेयर्स की, अगर हम बात करें द कंपनी इंटेंड्स टू इशू राइट्स टू रेज फंड फॉर परचेज ऑफ लैंड, कुछ और मजीद लैंड खरीदना चाहते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, जो कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया एक्सपेंशन है, थ्रू इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मल्टी हेड मशीन्स, एक ऐसे नई टेक्नोलॉजी की मशीन जिसकी वजह से उनको जो रिलायंस है कि वो अपने अपने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वहाँ से वो बन के बेसिकली आता है, आउटसोर्स करते हैं एम्ब्रॉयडरी को, वो नहीं करनी पड़ेगी, इसकी वजह से इस मशीनरी के लिए अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की जा रही है। और मजीद ओपनिंग जो है वो आउटलेट्स की पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ में करने के लिए भी ये मजीद एडिशनल रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। तो दिस इज बेसिकली ओवरऑल रीज़न ऑफ इमेज राइट शेयर्स अनाउंसमेंट, एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अनाउंसमेंट वो क्यों कर रहे हैं, राइट शेयर इशू क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे क्या रीजंस हैं, राइट शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं, 75 शेयर हर 100 शेयर रखने पर आपको मिल जाएंगे जिन जिन के पास हैं और जिन जिन को एंटाइटलमेंट हासिल हो चुकी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 25 मार्च से जो है वो ट्रेडिंग इनकी स्टार्ट होगी, जो कि ख़त्म होगी 16 अप्रैल को। तो इस दौरान अगर आपने अपने शेयर्स रखने हैं या बेचने हैं तो वो आपने उसी हिसाब से उन दिनों डिसीजन लेना है। सो आई होप दिस इज दिस एक्सप्लेनेशन वॉज हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग के राइट शेयर्स के इमेज के राइट शेयर्स के साथ बेसिकली आपने किस तरीके से बिहेव करना है, और अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने रेगुलर वीडियोस के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, डू लेट मी नो फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो, लाइक एंड शेयर विद योर फेलो इन्वेस्टर्स, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।